हेलो एवरीवन वेलकम टू सिब्लिंग्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे हैं आज हम करने वाले हैं चैप्टर नाइन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बायोलॉजी क्लास एथ आई बोर्ड चैप्टर नंबर एट तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हेल्थ एंड हाइजीन फर्स्ट एड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस कम्प्लीट हो चुके हैं आई होप आप सभी ने वो लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं और आपको समझ में आए हैं आज हम चैप्टर नंबर नाइन स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड प्लांट्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ एनिमल्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं जो जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री ठीक है फूड इंडस्ट्री in में बैक्टीरिया के क्या यूजेस हैं वो पढ़ेंगे फनजाई इंपॉर्टेंस ऑफ मशरूम्स एंड ईस्ट इन फूड इंडस्ट्री फूड सॉरी फूड इंडस्ट्री में मशरूम्स एंड ईस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मिल्क एनिमल्स बोलते हैं हम वाइट रेवोल्यूशन मीट प्रोवाइडिंग ड्रॉट एनिमल्स हैवी वर्क पोल्ट्री फिश फार्मिंग पीसीकल्चर सेरीकल्चर एपिकल्चर ये सभी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं तो so चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं सेवन्थ क्लास के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एट क्लास का ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी टाइम हो गया है ये बुक भी हमारी कंप्लीट होने वाली है इसके बाद हम नया चैप्टर नई सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप बता दीजिए कमेंट के सेक्शन में हम वही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल वाटर एंड एयर अराउंड अस हमारे चारों तरफ ठीक है हमारे चारों तरफ सॉइल वाटर और एयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स तो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आइज यानी कि अपनी नॉर्मल आइज से हम उन्हें नहीं देख सकते ठीक है वी नीड अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू सी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हमें एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसकी नीड होती है ताकि हम इन एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देख सकें ठीक है दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये जो एक्सट्रीमली बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं नाम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो नाम से ही समझ मारा है माइक्रो में से एक्सट्रीमली स्मॉल वी कैन नाउ से दैट अब हम क्या कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं ओके okay, आगे हम पढ़ते हैं आप ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया okay. माइक्रो ऑर्गेजिम्स के बारे में क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेजम्स अब हम पढ़ेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेजिम्स के बारे में ठीक है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं यूजफुल होते हैं इनिशियली इट वॉज थाट दैट ऑल द माइक्रो ऑर्गेजम्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज स्टार्टिंग में इनिशियली ये सोचा जाता था कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं और बीमारियां करते हैं ठीक है लेटर ऑन साइंटिस्ट डिस्कवर डेट ऑनली हैंडफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेज बाद में जो साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे उन्होंने ये डिस्कवर किया ये खोज करी कि सिर्फ थोड़े से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं और जो बीमारियाँ करते हैं मोस्ट ऑफ़ द माइक्रो ऑर्गेजम्स आर हार्मलेस एंड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गनिजम्स आर इवन बेनिफिशियल टू अस और यूजफुल टू अस उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गनिज्म जो हैं वो हार्मलेस हैं और उनमें से भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए तो बेनिफिशियल भी हैं हमारे लिए लाभकारी हैं ठीक है थीके? जो हमें हमारे लिए यूज़फुल हैं ठीक है माइक्रो ऑर्गनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वी विल नाउ डिस्क्राइब दी बेनिफिशियल इफेक्ट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म इन डिटेल वन बाई वन अब हम क्या करेंगे बेनिफिशियल इफेक्ट्स और हार्मुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिटेल में वन बाय वन ठीक है बेनिफिशियल भी पढ़ेंगे और हार्मफुल इफेक्ट्स दोनों पढ़ेंगे हम तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजफुल बैक्टीरियाज के बारे में बैक्टीरिया क्या होते हैं दे आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेजम्स विच हैव सेल वॉल्स बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बैक्टीरियाज बहुत छोटे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल वॉल्स होती हैं बट उनमें कोई भी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस या दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता है समझ रहे हो बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं इनमें सिंगल सेल पाया जाता है और उनकी सेल वॉल तो होती है लेकिन इनमें कोई भी न्यूक्लियस या फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हर जगह पाए जाते हैं जैसे एयर में सॉइल में वाटर में एवरी सरफेस अराउंड अस हमारे आसपास जितना भी सरफेस है जितने भी एरिया हैं सभी जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं ऑन आवर बॉडीज़ एंड इवन इनसाइड अवर बॉडीज़ हमारी बॉडीज़ पर भी और हमारे बॉडी के अंदर भी दे आर इनविजिबल टू द निग्ड आइज़ एंड कैन बी ओनली व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं हम ठीक है और हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं दी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी अब बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसे हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी हम किसे बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं लेकिन जो सिर्फ पर्टिकुलरली बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं उन्हें उस स्टडी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी ओके okay? अब पढ़ते हैं फूड के बारे में सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस कुछ बैक्टीरिया हम कह सकते हैं यूजफुल होते हैं हमारे लिए दे कैन बी यूज टू मेक कर्ड चीज एंड विनेगर उन्हें हम यूज कर सकते हैं कर्ड चीज और विनेगर बनाने में बैक्टीरिया का यूज करते हैं हम ठीक है कर्ड जो चीज विनेगर जो हम खाते हैं डेली में ऑलमोस्ट तो इन सभी में बैक्टीरिया यूजफुल है हमारे लिए द मिल्क चेंजेस टू कर्ड ड्यू टू द बैक्टीरिया सॉरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड एक्टोपैसिलस एसिडोफिलस मिल्क दही में चेंज हो जाता है मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है उस बैक्टीरिया का नाम है लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस उस बैक्टीरिया का नाम क्या है लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ठीक है तो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया कैसे यूजफुल होता है हमारे लिए फूड में वेन अ लिटिल ऑफ प्रीमेड कर्ड इज अर्डेड टू वॉर्म मिल्क देन लेक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट एंड कर्ड मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इन टू कर्ड ठीक है क्या बोल रहा है जब थोड़ा सा पहले से बना हुआ जो दही होता है उसे हम हल्के से गर्म दूध में डाल देते हैं ऐड कर देते हैं तो लैक्टोबैसिली जो बैक्टीरिया होता है जो कर्ड में पहले से ही प्रेजेंट रहता है वो दूध के साथ मल्टीप्लाई करता है और कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है दिस हैपन्स एज फॉलोज कैसे होता है ये मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज मिल्क में एक शुगर होती है ठीक है मिल्क में एक तरह का शुगर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लैक्टोज लेक्टोबैसिली बैक्टीरिया कन्वर्ट दी लैक्टोज शुगर इंटू लैक्टिक एसिड तो ये जो लैक्ट लेक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है वो उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है दिस लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स मिल्क इंटू कड़ और उसके बाद ये लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है ठीक है एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट एल्कोहल इंटू एसिटिक एसिड और विनेगर अब एल्कोहल से एसिटिक एसिड acid या फिर एल्कोहल से विनेगर बनता है तो वो बनता है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से ठीक है तो इन बैक्टीरियाज़ के आपको नाम लर्न करने हैं ठीक है नेम्स लर्न करने हैं स्पेलिंग के साथ अच्छे से करने हैं तो इस इस तरीके से हमने देखा कि फूड में कैसे हेल्पफुल रहता है बैक्टीरिया अब हम पढ़ते हैं मेडिसिन में कैसे हेल्पफुल है सिंथेसाइजिंग दी विटामिन विटामिन को सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल रहता है ये क्या बैक्टीरिया द बैक्टीरिया फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन सिंथेसाइज द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच फर्दर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन जो होती है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और वो बैक्टीरिया और क्या करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है डाइजेशन में भी हेल्प करता है फूड के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी में ठीक है तो इस तरीके से विटामिन्स बनाने में क्या करता है ये हेल्प करता है क्या बैक्टीरिया ठीक है तो और क्या करता है डाइजेशन और एब्जॉर्बन में भी हेल्प करता है ये वाला बैक्टीरिया आगे बोल रहा है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स तो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स में कैसे हेल्पफुल है ठीक है कैसे बनाता है ये एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स में भी बैक्टीरियाज होते हैं मेडिसिन विच स्टोप दी ग्रोथ ऑफ और किल्स दी डिस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गनिजम्स इज कॉल्ड कॉल्डन एंटीबायोटिक्स अब एंटीबायोटिक क्या होता है एक ऐसी मेडिसिन एक ऐसी दवाई जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम की ग्रोथ को रोक दे या फिर उसे मार दे उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक हम एंटीबायोटिक्स तभी तो लेते हैं ताकि हमारी बॉडी ये जो हम पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स uh, लेते हैं ये इसलिए तो लेते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें बीमार कर रहा है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाए या उसे मार दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं ये किस चीज़ से बनाए जाते, है? जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड टू क्योर अ नंबर ऑफ डिसीज़ेज एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके ठीक है और बहुत सारे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है ताकि बहुत सारी बीमारियों को क्योर करा जा सके ठीक करा जा सके दीस डेज अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं माइक्रो ऑर्गनिजम से जैसे फंजाई और बैक्टीरिया से ठीक है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं सम ऑफ दी कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फनजाई एंड बैक्टीरिया आर कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स जो फनजाए और बैक्टीरिया से बनाए गए हैं कौन से हैं पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन इिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रा साइसाइक्लिन ठीक है तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो फंजाए और बैक्टीरिया से बनते हैं एंटीबायोटिक्स आर हाउ एवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीजेज़ कॉज बाई वायरस ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये इफेक्टिव नहीं होते हैं समझ रहे हो ये एंटीबायोटिक्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं ठीक है ज़्यादा बीमारियों को ये ठीक नहीं कर सकते हैं जो वायरस की वजह से वो बीमारियाँ होती हैं ना उन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते ये एंटीबायोटिक्स जैसे एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड टू क्योर डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड फ़्लू एंड वायरल फीवर बिकॉज दीज आर कॉज बाय वायरस एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके हम कॉमन कोल्ड फ्लू वायरल फ़ीवर को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये बीमारियाँ वायरस की वजह से होती हैं और एंटीबायोटिक्स जो हैं वायरस की हुई हुई बीमारियों को नहीं ठीक कर सकते माइक्रो ऑर्गनिज्म आर ऑल्सो यूज टू मेक वैक्सीस माइक्रो ऑर्ग्निज्म का यूज़ किया जाता है वैक्सीन्स बनाने के लिए वैक्सीन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़ वैक्सीन एक स्पेशल तरह की प्रिपरेशन होती है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट ठीक है वैक्सीन्स आर गिवन टू हेल्दी परसेंस सो दैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिसीजेज थ्रू आउट देअर लाइफ इवन इफ दे आर एक्सपोज टू दी पैथोजन ऑफ दीज डिसटर ऑन इन और ऑन इन लाइफ क्या बोल रहे हैं वैक्सीन्स जो है हेल्दी पर्सनस को दी जाती हैं ताकि सो दैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिसीज़ेज ताकि उन्हें कुछ पर्टिकुलर बीमारियां ना हो अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर उन्हें उन बीमारियों के सामने रहना भी पड़े ना तब भी उन्हें कोई वो बीमारी नहीं होगी तो वैक्सीन इसलिए हेल्दी पर्सनस को दी जाती हैं दी डिस विच कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट प्रॉपर एज आर प्रॉपर एज पर अगर बच्चों को वैक्सीनेशन मिल जाता है तो बहुत सारी बीमारियों से उन बच्चों को बचाया जा सकता है थ्रू आउट देयर लाइफ जैसे पोलियो स्मॉल पॉक्स कॉलरा टाइफाइड हेपेटाइटिस मीजल्स रेबीज एंड होता है वूपिंग कफ ठीक है तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में यूज किया जाता है इनका मेडिसिन में देखा अब हम पढ़ते हैं टैनिंग ऑफ लेदर ठीक है leather, क्या टैनिंग ऑफ लेदर टैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एनिमल्स केन टू प्रोड्यूस लेदर टैनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम एनिमल की स्किन को ट्रीट करते हैं कुछ ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल की स्किन पर और लेदर प्रोड्यूस करते हैं चमड़ा क्या ठीक है बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन टैनिंग प्रोसेस बैक्टीरिया का भी यूज किया जाता है टैनिंग प्रोसेस में बैक्टीरिया इम्प्लॉयड इन द प्रोसेस ऑफ टैनिंग आर ऑप्टेन फ्रॉम काउडंग एंड एक्सक्रीट ऑफ डॉग्स एंड पोल्ट्री बैक्टीरिया जो टैनिंग की प्रोसेस में इंप्लॉय करे जाते हैं लगाए जाते हैं जिन बैक्टीरिया को यूज किया जाता है टैनिंग की प्रोसेस में वो कहा से आते हैं वो वाले बैक्टीरिया काउडंग से और डॉग्स और पोल्ट्री के एक्सक्रीटा से ठीक है रेटिंग ऑफ फाइबर एक्शन बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोमोनास एटसेट्रा हेल्प इन फाइबर रेटिंग फाइबर रेटिंग सेपरेशन ऑफ ऑफ स्टेम एंड फाइबर प्लांट्स फ्रॉम अदर राइटिंग टिश्यू रेटिंग ऑफ फाइबर्स इसमें क्या है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्यूडोडोमोनाज ये फाइबर रेटिंग में हेल्प करते हैं फाइबर रेटिंग मीन्स होता है प्लांट्स की जो लीफ फाइबर है और स्टेम है उन्हें सेपरेट कर देना सॉफ्ट टिश्यूज से जो, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं प्लांट के उनसे स्टेम और लीफ फाइबर को हटा देने के काम को हम बोलते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स उसमें कुछ बैक्टीरिया को यूज किया जाता है जैसे क्लोस्टीडियम और स्यूडोडोमोनाज स्यूडोमोनाज ठीक है नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ये हम बैक्टीरिया के यूजफुल पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यूज होते हैं ठीक है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बैक्टीरिया वाइल कन्वर्टिंग एनिमल डंग एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट टू हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल दैट इज अ मस्ट इन गोबर गैस प्लांट बायोगैस को आप गोबर गैस प्लांट भी बोल सकते हैं ठीक है ये इस तरह का होता है इसमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं फ्यूल बनाने में ठीक है जो बहुत जरूरी होता है ठीक है कब जब एनिमल डंग और दूसरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ठीक है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बैक्टीरिया एक फ्यूल बनाता है जो गोबर गैस प्लांट में इस काम को करने में हेल्प करता है तो बैक्टीरिया इस तरीके से हेल्पफुल हैं आप देख रहे हैं ना फूड में भी मेडिसिन में भी लेदर बनाने में भी फाइबर रेटिंग में भी बायोगैस प्रोडक्शन में भी कैसे यूजफुल है हमारे लिए बैक्टीरिया ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट कैसे है यूजफुल स्कैवेंजिंग सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऑप्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स लाइक एनिमल एक्सक्रीटा फॉलन लीव्स मीट एटसेट्रा सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होता है वो फूड ऑप्टेन करता है ऑर्गेनिक रिमेन्स से जैसे एनिमल एक्सक्रीटा फॉलन लीव्स मीट एटसेट्रा तो ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है ऑर्गेनिक चीज़ों में से जो भी चीज़ें बच जाती हैं जैसे एनिमल एक्सक्रीटा फॉलन लीव्स जो पत्तियाँ गिर जाती हैं मीट है तो वहाँ से वो अपना फूड न करता है दे डिकम्पोज दी सब्सटांस बाई एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एरोबिकली और अन एरोली नॉन एज फर्मेंटेशन तो ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो इन सबस्ट को कौन से को एनिमल एक्सक्रीटा एक्टाइड फॉलन लीव मीट इन सभी को डिकम्पोज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सिक्रिएट करके उन वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एरोबिकली भी करते हैं और अन एरोबिकली भी करते हैं यानी कि फर्मेंटेशन के भी करते हैं दस दे हेल्प इन सैनिटेशन ऑफ नेचर नेचर को सैनिटाइज करने का काम करते हैं हैंस जस इसीलिए जो स्केवेंजिंग करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें हम scavengers भी बोलते हैं और उस एक बैक्टीरिया का नाम है ठीक है है तो, है में में करता तो क्या होता है? जो बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू उन्हें हम बोलते हैं स्केवेंजस और उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्केवेंजिंग ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट है डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया के बारे में है डीकम्पोजिशन ये यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में है ना नाम याद रखना कौन सा बैक्टीरिया किस चीज में हेल्प करता है तो डिकम्पोजिशन में क्या है बैक्टीरिया यूज डेड एंड डिकेइंग मैटर एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिय रिसाइकलिंग दर्गेनिक कंपाउंड ट्रेप्ड इन डेड मैटर बैक्टीरिया यूज करते हैं क्या यूज करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को यूज करते हैं जो खाना ये जो चीजें मर जाती हैं और सड़ जाती हैं उस मैटर को यूज़ करते हैं अपना न्यूट्रियट प्रोड्यूस करने में और बैक्टीरिया अपना न्यूट्रियट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिसाइकिल करते हैं ठीक है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस डेड मैटर में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें रिसाइकिल करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस इस प्रोसेस से अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो गेट बेनिफिटेड दूसरे एनिमल्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो कैन यूज द सिंपलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कम्पाउंडस न्यूट्रिय रिलीज फ्रॉम दी डेड मैटर बाई वेरियस बैक्टीरिया तो उन्हें कैसे बेनिफिट मिलता है अब उस डेड और डिक मैटर में से डिफरेंट बैक्टीरियाज ने सिंपलर फॉर्म्स यूज कर ली ठीक है मतलब फूड को रिसाइकिल कर रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिसाइकिल कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं सिंपल फॉर्म्स वाले न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जिसके थ्रू दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये यूज़फुल हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़फुल फंजाई के बारे में पढ़ेंगे यूज़फुल फंजाई एंड यूज़फुल एलगे वार के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ थैंक यू